हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज की इस ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं हूँ सुचिता। आप सभी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है डेफिनेटली उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो गाइज, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मेरी और वीडियोज़ देख पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच पाए जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। डेफिनेटली आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है, और बिकॉज ये मुझे किसी ने पूछा था कमेंट में ही। और वेल, व्लॉग स्टार्ट करने के पहले मैं सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे बोल दूँ। आज है रिपब्लिक डे और इसलिए मैंने आज वाइट क्रीमिश टाइप की साड़ी भी डाली है। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और गाइज, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था प्रैक्टिस में, यानी कि संविधान लागू हो गया था। और इसका श्रेय बी आर अम्बेडकर को भी जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारा भेदभाव उन्होंने हटाया, हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ काम किया। डेफिनेटली हम लोग भी कुछ काम करेंगे, बट अपने अपने स्तर में रह करके, यानी कि अपने अपने बाउंडेशन के अंदर। एंड हम लोगों को भी एक न्यू इंडिया के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो व्लॉग को देरी नहीं करते हैं, आप सभी को फाइनली मैं एक हैप्पी रिपब्लिक डे बोल दूँ। और उसके बाद से आप लोग बताना कमेंट में किस किस ने आज जलेबियाँ खाई क्योंकि ऑब्वियसली हमारा नेशनल स्वीट है तो खाना चाहिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो गाइज, व्लॉग स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आती हूँ और आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट हो सकता है मेरा। तो आप लोग जो भी कमेंट में पूछते हैं जो कि स्किप हो जाता है, तो आप लोग मेरे को वो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेक करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं व्लॉग से। सो गाइज, लास्ट ईयर मैंने मेरा जो प्रीवियस व्लॉग है, जिन्होंने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं, लेबर पेन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी। और क्योंकि मैं एक मॉम हूँ तो ऑब्वियसली डेफिनेटली मुझे इन सब टॉपिक पे वीडियो बनाने में कोई शर्म नहीं है। ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, डेफिनेटली आई विल वॉन्ट कि मैक्सिमम ऑफ द पीपल कम टू नो अबाउट दिस फैक्ट, जो भी होती हैं चीज़ें। तो अगर किसी को अजीब लगता है कि यार ये कौन बनाता है ऐसे टॉपिक पे, तो डेफिनेटली एक माँ अपनी जब आप बर्थ कर देते हो ना, मतलब बेबी बर्थ हो जाता है जब, तो उसके बाद आपके पास बचता ही सिर्फ ये है कि आप उस फील, बचता नहीं है ऑब्वियसली, बचता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब भी आप बेबी डिलीवर कर देते हो तो ये भी एक पोर्शन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए है डेफिनेटली, मुझे नहीं पता किसके लिए है किसके लिए नहीं है, बट मेरे लिए डेफिनेटली है। एंड मुझे इन टॉपिक्स पे वीडियो पे बात करने में कोई शर्म नहीं आती है, कोई ऑकवर्ड नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग को नॉलेज की ज़रूरत भी है क्योंकि बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। डेफिनेटली जब मैं भी प्रेग्नेंट थी, मैंने भी बहुत सारी वीडियोज ऐसे सर्च किए थे, मैं भी देखा करती थी कि किसका क्या एक्सपीरियंस था। तो डेफिनेटली मेरा जो ये आज का व्लॉग है वो मेरा अपना ओन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे है, तो मैं वो शेयर कर रही हूँ। आज का जो व्लॉग है वो रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग है। कल के व्लॉग में मुझे किसी ने पूछा था, मैं नाम आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ, कि ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस की कब तक करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग बेटर होता है या फिर बॉटल फीडिंग। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे पूछा था कृति वर्मा ने, दीदी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्लीज़ वीडियो बनाओ ना प्लीज़। मुझे दी ये पूछना है कि कितने साल तक बच्चे को फीड करवाना सही रहता है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज़। तो डेफिनेटली कृति जी, मुझे आपका कमेंट अच्छा भी लगा। ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरी लास्ट वीडियो को और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते थे। तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो ऑब्वियसली किसी भी रास्ते में आप जाके देख लो तो बॉटल फीडिंग से तो बेटर ही होता है ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब जिस फील्ड में आप देख सकते हो, एक तो फर्स्ट इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप देखो तो बॉटल की कॉस्टिंग, आप जाओ बॉटल ख़रीदने और ऑब्वियसली एक बॉटल आप 4 साल 5 साल या 2 साल 3 साल नहीं यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा, फिर वॉश करो एंड ऑल, तो थोड़ा सा एफर्ट लगता है बॉटल के लिए।
सिर्फ इजी होता है क्योंकि बेबी उसको पकड़ सकते हैं, तो आपका फर्स्ट खाली यही एक पॉइंट है जिसमें बेबी कैच करने में इजी रहता है, आप भी बॉटल देके फ्री हो सकते हो, कोई झंझट नहीं है, आप आराम से दे दो बच्चे को पीना है वो बॉटल पीते रहेगा। बट गाइस आई विल डेफिनेटली से कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ज़्यादा सेफ होता है, और हर चीज़ के लिए मेरा सजेशन ब्रेस्ट फीडिंग पे रहेगा बिकॉज मैं खुद भी ब्रेस्ट फीड करवाती हूँ लड्डू को। एंड जितना मैंने सुना है पहले के लोगों से या फिर बड़ों से अपने कि 6 महीने कंपलसरी आपको कराना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग, इनकेस अगर नहीं होता है तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप वो क्या बोलते हैं मसूर की दाल होती है, मैं पिक्चर लगा दूंगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत जगह उसको मलका भी बोलते हैं, तो मलके की दाल होती है जिसको आप अगर पियोगे ना, वो जब गाय वगैरह भी बेबी डिलीवर करते हैं ना उसके बाद उन लोगों का कफ होता है जब उनका, तो उस टाइम पे वो लोग भी पीते हैं। एंड दाल इज़ वेरी गुड इन प्रोटीन एंड कंटेंस हाई प्रोटीन लेवल, सो आप अगर मसूर की दाल ले रहे हो तो इट प्रोड्यूसेस मिल्क इन योर बॉडी, सो कोई दिक्कत होगी नहीं बेबी के लिए। इन केस अगर कोई सिचुएशन है जब आप नहीं करा सकते या फिर नहीं हो पाता है तो आप जा सकते हो बॉटल के लिए, बट ट्राई कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कर पाओ, क्योंकि एक तो पहली बात जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो तो कोई इन्फेक्शन नहीं होता है बेबी को, एंड बॉटल अगर आप दे देते हो तो बॉटल के लिए बेबी कई बार 3 साल 4 साल 5 साल तक भी बॉटल करता है। फिर आप सोचो कि यार जिस बच्चे को 3 साल में 2.5 साल, आजकल इतना कॉम्पिटिशन है मार्केट में, मैं खुद 2.5 साल में स्कूलिंग स्टार्ट की थी जिसकी वजह से मैं 22 साल तक जॉब के साथ ग्रेजुएशन कर चुकी थी, तो आजकल बच्चों को पढ़ाना ही हर पेरेंट्स का मोटिव है कि अच्छे से ग्रो करें एंड पढ़ाए उनको और आज के मार्केट में उसको खड़ा कर पाए, तो कोई भी स्टार्टिंग में ही जाने लगता है, यानी 2.5 साल 3 साल इज़ द मैक्सिमम टाइम एवरी वन गिव टू देयर चाइल्ड। एंड पहले के टाइम पे होता था कि 5 साल 6 साल चलो बच्चा बॉटल ले रहा है कोई बात नहीं है, बट समटाइम इट बिकम्स हार्ड कि आप उनको भेज नहीं सकते, दूध उनको चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए कंपेयर टू ब्रेस्ट फीडिंग बॉटल फीडिंग आई विल नॉट सजेस्ट कि आप लोग करो, आप लोगों की खुद की चॉइस है, मेरी चॉइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग, आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी 2 साल कराना चाहिए मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से कि आप 2 साल कराओ, क्योंकि डेफिनेटली 2.5 साल में मैं अगर लड्डू को स्कूल भेज रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो, बहुत सारे बच्चे दूध के लिए जाते भी नहीं होते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप 2 साल कराओ मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 6 महीने तो कराओ ही कराओ, 6 महीने तक तो बोलते हैं, मेरे टाइम पे भी बोल रहे थे कि पानी का बूंद भी नहीं देना होता है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग 6 महीने कराओ, मैंने भी 6 महीने तक कोई पानी वानी का बूंद बूंद नहीं दिया था, जो था लड्डू सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग उतना सफिशेंट था, हालाँकि उतना था भी नहीं प्रोडक्शन, बट फिर भी जितना था मैंने उसको ब्रेस्ट फीड किया था। एंड जब तक मैंने ब्रेस्ट फीड किया था आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लेकिन उसका वेट उस टाइम पे भी जब वो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर था तब उसका वेट ऑलमोस्ट 10 kg था। एंड इट्स बीन कि जब से वो ब्रेस्ट फीडिंग से हटा, मतलब ध्यान अब खाने ये खिलाओ वो खिलाओ पे गया, तब से ही स्टार्टेड लूजिंग हिज वेट, मतलब नॉट लूजिंग बट ही कुडंट गेन दैट मच एज कम्पेयर टू व्हाइल आई वाज ब्रेस्ट फीडिंग हिम, तो जब उसने स्टार्ट किया खाना पीना खाना तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी में, लूज मोशंस भी हुई, कोई कोई खाना नहीं। एट द सेम टाइम आई विल लाइक टू ऐड कि हाँ खाना भी खिलाना ज़रूरी होता है बिकॉज बाद में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, मैं ये नहीं खाऊँगा मैं वो नहीं खाऊँगा, तो डेफिनेटली आई विल वॉन्ट टू से कि आप लोग खाना भी खिलाओ, ये नहीं कि ब्रेस्ट फीड करना इजी है, बहुत टाइम इजी हो जाता है कुछ करना नहीं है, ब्रेस्ट फीड करा दो, खाना नहीं बनाना ब्रेस्ट फीड करा दो, बट नहीं उन लोगों को टेस्ट करने दो फूड, आपके बेबी को टेस्ट करने दो, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी लगेंगी कुछ चीज़ें नहीं, बट दिस इज़ द टाइम जब आप बहुत सारी चीज़ों को टेस्ट करा सकते हो, एंड आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई उन्हें कौन सी फूड अच्छी लग रही है कौन सी फूड अच्छी नहीं लग रही है। मैंने तो 6 महीने के बाद हम लोगों का वो अन्न वाला पूजा होता है जिसमें कराया था, मैं अकेली थी, मैं और मेरे हस्बैंड थे,
तो खीर पूड़ी सब कुछ बनाया था, बट एट द सेम टाइम जब मैंने, और 6 महीने आते आते लड्डू को खाने का वो होने लग गया था कि मुझे खाना है। वो जब खाना देखता था उसको होता था कि मुझे खिला दो, और मुझे भी होने लगा था कि यार एटलीस्ट अब पानी पिला दो। लेकिन फाइनली मैंने 6 महीने के बाद ही उसको पानी वानी पिलाया, और 6 महीने तक उसके हेल्थ में एक चीज़ भी ऊपर नीचे नहीं हुई थी, तक कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं। बॉटल फीडिंग से बहुत बार गैस की प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एट द टाइम दे सक मिल्क, वो एयर भी कभी कभी चला जाता है, तो जब एयर जाता है तो पेट फूलता है, वॉमिटिंग भी होने के चांसेस होते हैं, एंड गैस की प्रॉब्लम भी होती है बच्चों को, और इन्फेक्शन की भी दिक्कत होती है। आप कितना भी स्ट्रेलिन कर लो, उसको वॉश कर लो, कितना भी करो, थोड़ी बहुत तो इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, दैट वॉट आई बिलीव। तो मैंने उसको बॉटल का तब तक नहीं दिया था जब तक उसकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक थी। मतलब मैंने, आप बोल सकते हो 1.5 साल तक उसको कोई बॉटल वगैरह नहीं दिया, 1.5 ईयर्स तक। बट अब क्योंकि आई वॉन्ट कि ब्रेस्ट फीडिंग से दूर रहे, एंड जब मैंने 6 महीने के बाद भी उसको दूध देना स्टार्ट किया था, बॉटल में देती भी थी तो वो नहीं लेता था, एंड मैंने कोशिश भी नहीं किया उतना ज़्यादा, क्योंकि मैं उसको ग्लास से पिला देती थी या फिर मैं बाउल में लेकर के चम्मच से पिला देती थी। तो आप अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकते तो आप चम्मच से पिलाओ कुछ टाइम तक, जब बच्चे को सेंस होने लगता है तो वो खुद ही बॉटल छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आप उसको धीरे धीरे हैबिट में लेकर के बॉटल दे सकते हो 2 साल के बाद। तो अगर नहीं पी रहा है ब्रेस्ट फीडिंग, बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, और तब तक छोड़ भी देते हैं बच्चे, तो इट्स ओके कि अगर छोड़ दे रहा है, लेकिन 6 महीना इज़ कंपल्सरी। मैंने 1.5 साल के बाद देना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने देखा ना वो ग्लास से ही पी रहा था ना वो बाउल से ही पी रहा था, और ऊपर से मैं सिंगल, मतलब यहाँ पे मेरी कोई फैमिली नहीं है। गाइस, फैमिली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको, अगर आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कल की लाइफ में जब आपका एक बेबी होगा तब आपको समझ में आएगा कि फैमिली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपका कोई बच्चा पकड़ ले, चाहे आप खुद के लिए भी खाना बनाओ, आपका बच्चा नहीं करने देगा, क्योंकि मैं खुद के लिए ही खाना बनाती हूँ, खुद के लिए और हस्बैंड के लिए। तो आधे घंटे के लिए भी मुझे लगता है काश यहाँ पे मेरे मम्मी या फिर मेरी जेठानी जी या फिर कोई भी होता, मेरी सासू माँ। ये ऐसा टाइम था जिस टाइम पे मैंने अपने सासू माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया, क्योंकि जितना हक ससुराल वालों पे होता है, मैं कितना भी सोच लूँ मेरी मम्मी आ भी जाएंगी तो भी वो हर टाइम के लिए नहीं रह सकती, बट सासू माँ को मैं हक से बोल सकती थी मम्मी आप रहो यहाँ पे, तो अम्मा नहीं है यहाँ पे, मतलब मेरी मम्मी जी नहीं है, तो मुझे अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आप सोचोगे कि यार बॉटल दे दो हो जाएगा। मैंने भी ट्राई किया था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कभी ट्राई नहीं किया, मैंने हमेशा 1.5 साल के बाद ट्राई किया कि हाँ मैं उसको बॉटल दूँ, एंड उसने कुछ अच्छा रिस्पांस दिया नहीं। बट फिर भी मैंने उसको रात में सोचा कि रात के टाइम पे मेरे को ब्रेस्ट फीडिंग दूर करनी है, तो उस टाइम पे मैंने उसको बॉटल देना स्टार्ट किया। बट नहीं, बट ऑल ऑफ सडन मैंने उसको एक दिन पानी दिया और ही स्टार्टेड सिपिंग इट। फिर उसके बाद से अभी, हालांकि मुझे 15 डेज ही हुए हैं, 10 to 15 डेज, एंड ही इज़ गोइंग टू बी 2 ईयर्स इन अप्रैल। तो मैंने सोचा कि भाई देखती हूँ, जब मैंने दिया तो वो मिल्क भी ले रहा है, बट एट द सेम टाइम मैं उसको ग्लास से भी मिल्क दे रही हूँ। लाइक अगर मैं एक टाइम बॉटल दे रही हूँ तो एक टाइम मैं ग्लास दे रही हूँ। सुबह सुबह जब वो उठता है तो जिस टाइम मैं बिजी रहती हूँ, मतलब एट मैक्स, उस टाइम मैं सिर्फ उसको बॉटल देती हूँ, अदरवाइज मैं बाउल या फिर ग्लास से उसको पिलाती हूँ, और ही इज़ एबल टू ड्रिंक इट फ्रॉम ग्लास ओनली, क्योंकि मैंने बचपन से ही उसको आदत लगा दिया था। तो बोलते हैं जब बच्चा होता है उसी टाइम से उसकी आदत को आपको लगानी पड़ती है। तो बस मेरा सजेशन यही रहेगा कि इकोनॉमिकल भी है ब्रेस्ट फीडिंग करना, और ज़रूरी भी है। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चा, मेरा बच्चा था, उसको कोई बीमारी नहीं हुई थी, कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ था, हेल्थ गेन भी हो रहा था बहुत अच्छा खासा। 6 महीने के एज में उसका अगर 10 किलो था तो आई थिंक दैट वॉज सुपर फॉर मी, एंड उसके चांसेस भी थे और भी। लेकिन जैसे ही वो 6 महीने के बाद उसका वेट रिड्यूस होने लग गया, क्योंकि वो खाना ट्राई किया, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़, एंड फिर लूज मोशंस, ग्रीन बॉटीज, दांत आने लगे, बहुत सारे दिक्कत हुई। फिर नाउ ही इज़ 13 kg, अभी मैंने वेट किया फिर, तो आई थिंक डॉक्टर के हिसाब से वो भी 11 kg तक बच्चे का वेट सही है, तो 12-13 kg इट्स ओके फॉर मी, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसको दूँ, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है लाइक एज के हिसाब से। तो आई थिंक ही नीड मोर प्रोटीन, एंड आई विल वर्क ऑन इट, एंड आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखो यार। एंड दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कृति जी।
देर आर मेनी क्वेश्चंस कि मैं व्लॉग बनाऊँ मेरे पापा और मेरी बॉन्डिंग के ऊपर, डेफिनेटली मैं बनाऊँगी, बट मैंने सोचा कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए भी, और मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में अच्छा लगता है। ऑब्वियसली जिस चीज़ पे आप बेस्ट हो आपको अच्छा लगेगा उस चीज़ को करने में, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग बताना आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या बेटर है, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर बॉटल फीडिंग। एंड गाइज डोंट फील ऑफेंडेड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, इफ यू आर बॉटल फीडिंग, इट्स ओके, दैट्स योर ओपिनियन, यू कैन गिव वॉट एवर यू वॉन्ट, इट्स योर चाइल्ड एंड इट्स योर कॉल, बट आई हैव गिवन माई ओन एक्सपीरियंस। सो आई होप यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को आप शेयर करो। एंड दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय टिल देन।